नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बनेगी समीर शाह जी के नाम, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन्होंने पूछा है कि सर कॉमन 70 कॉमन 100 में क्या लगता है बताए प्लीज। तो चलिए इनकी वीडियो में देख बता देते हैं कि वह कॉमन 70 दिखा देते हैं आपको। ये इनका सवाल जो है यही है इनका सवाल। तो आपकी जो एम्पलीफायर की पीछे कॉमन 70 100 वोल्ट और दूसरा होता है कॉमन 4 ओम 8 ओम और 16 ओम जो भी होता है, इसमें क्या लगता है और क्यों लगता है, ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। इसको देखने के बाद आपको ओम लाइन वोल्ट लाइन के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। जब मैं भी इस क्षेत्र में नया था पूरा, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, मुझे भी डाउट होता था कि ये क्यों लगा है, ये किसके लिए लगा है। तो डाउट लगना स्वाभाविक है, तो चलिए आज वो डाउट क्लियर कर देते हैं कि ओम लाइन तो ये आपकी होती है ओम लाइन, ये होती है वोल्ट लाइन। तो किसी किसी एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं बैक साइड पे डीपीए 770, इसमें देखिए कॉमन है 4 ओम है 8 ओम है 16 ओम है, उसके बाद 100 वोल्ट दिया गया है। तो इसका कॉमन ये है, 100 वोल्ट ये है, तो ये आप इसमें आप 100 वोल्ट वाला जो भी चाहिए लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे वो बताऊंगा, 4 8 16 ऐसे भी आपको मिल सकता है, और ऐसे ऐसे 250 डीपी में ऐसे ऐसे मिलता है, बहुत सारे में ऐसे अलग अलग रहता है। तो कैसे जो भी है आप वोल्ट, दो लाइन होता है, एक वोल्ट लाइन होता है एक ओम लाइन होता है। वोल्ट लाइन की जो स्पीकर होते हैं वो अलग होते हैं, ओम लाइन की जो स्पीकर्स होते हैं वो अलग होते हैं। मोस्टली जो वोल्ट लाइन मतलब यहाँ पे मोस्टली आपकी ट्विटर्स लगते हैं। कौन सा ट्विटर, ट्विटर इधर भी लगते हैं, तो कौन सा ट्विटर इधर लगेगा और कौन सा इधर लगेगा वो बात करते हैं। बॉक्स तो आप इसी में ही लगाना है, स्पीकर जो आप देखते हैं स्पीकर बॉक्स मोस्टली यहीं पे लगते हैं, और बाकी आप किस ट्विटर्स जनरली यहाँ पे कुछ लगते हैं कुछ यहाँ पे लगते हैं। तो क्या कैसे कहाँ लगाएंगे, तो चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं वोल्ट लाइन की, ट्विटर की। ये एक ट्विटर आप देख सकते हैं AU40XT, और दूसरा आपको दिखा देता हूँ वो है AU40। ये दोनों में क्या अंतर है, देखिए AU40 ये है और ये है AU40XT। मतलब इसमें आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे AU40XT में, ये 40 वाट 100 वोल्ट है। इसका मतलब है ये वाला जो AU40XT लिखा है मॉडल है वो आपकी 100 वोल्ट लाइन पे लगेगी, है ना। तो वो लिखा रहता है उसके स्पेसिफिकेशन पे, और आप फिजिकली देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसके अंदर होता है एक 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, उसके साथ आपको सिलेक्शन मिलता है टैप चेंजर का। मतलब ये जो 40 वाट है ना, इसमें आप पॉइंट्स रहता है जहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं, 40 वाट का है, इसमें आपको टैप रहता है 40 वाट का टैप रहता है, 30 वाट का रहता है, 20 वाट रहता है, 10 वाट का रहता है, 5 वाट का रहता है। आप चाहे तो इसको आप 5 वाट चला सकते हैं, 10 10 वाट पे चला सकते हैं, 30 पे चला सकते हैं, 40 पे भी चला सकते हैं, आपके हिसाब से। आप चाहे तो इसको, इसके पीछे एक रोटरी स्विच है जिसको आप सिलेक्शन देंगे तो उतना वाट ये कंजप्शन करेगा, उतना वाट में ये चलेगा। तो ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं AU40 का, AU40 और ये लगेगी आपकी वोल्ट लाइन पे। देखिए वोल्ट लाइन कहाँ पे लगाना है आपको, अगर इसको आपको लगाना है तो आपको इसको लगाना है कॉमन पे, एक नेगेटिव लगा दीजिए और दूसरा जो है 100 वोल्ट में लगा दीजिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये लगेगा आपकी ट्विटर, HF ट्विटर ट्रांसफार्मर वाला, LM ट्रांसफार्मर वाला। और जो कंप्रेशन वाला रहेगा ये वाला जो AU40, इसको आपको लगाना है 60 लिखा है 40 वाट 16 ओम पे इसको लगाना है। तो कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 16 वाट, इसमें 16 ओम नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं जहाँ पे होगा कॉमन 16 ओम। अगर आप दो लगा रहे हैं तो 8 ओम के लिए आ जाएगी, यहाँ पे पैरेलल कर देंगे तो 8 कॉमन 8 ओम में उसको लगा दीजिए, तो वो आप यहाँ पे लगाना है, वही सेम चीज़ है, दोनों अलग अलग आते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर वाला ये है XT और ये खाली ओनली 40 जो है वो है आपका ओम लाइन वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता हो गया होगा, जो बड़े बड़े चुंगे लगते हैं आप देख रहे हैं, और ज़्यादा दूर तक अगर लगा रहे हैं आप, सपोज ये HF जब ज़्यादा दूर लगते हैं, मतलब आपका एम्पलीफायर यहाँ पे है और थोड़ा दूर आप लगा रहे हैं वो जो माइक जिसे बोलते हैं, जो चुंगा उस जिसको बोलते हैं हमारे ओड़िया में, और बड़े लंबे फन्नेल वाले जो हॉर्न रहते हैं, और वो आप दूर दूर तक लगा रहे हैं एक एक पोल पे, तो उसमें आप वोल्ट लाइन पे लगाने से आपकी अच्छे रहते हैं।
धन्यवाद।